कारवां टीवी हर पल आपके साथ कार्यरत हैं और विद्यालयों की क्या स्थिति है, इसी को बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। कि मैंने भी कई स्कूलों का एक सर्वे किया है और जिसमें कि एक हम नवाबगंज क्षेत्र का विक्रमपुर गांव है जिसमें प्राथमिक विद्यालय की जो एक बदहाल स्थिति निकल के आई है, पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उजागर करती है। जिसमें जब मैंने स्ट्रीम किया था तो वहां पर मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा था और इससे पूर्व एक बच्ची ने वहां पर कोशिश करी थी उसकी बदहाल स्थिति को बताने की, तो उस बच्ची को वहां डरा धमका दिया गया था, कहा था तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा देंगे। तो वो डरी हुई बच्ची ने मुझसे संपर्क किया था, तब मैं उस विद्यालय में गई थी तो उस विद्यालय की स्थिति देखकर मैं स्वयं दंग रह गई थी। वहां का सीन ये था कि वहां बच्चे जो हैं बर्तन मांज रहे थे और बर्तन मांजते हुए बच्चे देखे गए हैं। बड़ा अफसोस होता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारे जो ये गरीबों के बच्चे हैं, इन स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, इन बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं या स्कूल में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने के लिए जा रहे हैं? उनको भोजन के नाम पर उनको मिड डे जो मील दिया जाता है वो किस तरह का मील दिया जा रहा है, ये भी देखने का विषय है। और उसके नाम पर इन बच्चों से क्या बर्तन मंजवाया जाए या झाड़ू पोछा करवाया जाए? बच्चे अपनी बैठने की पट्टियां खुद बिछाते हैं, वहां का स्टाफ खड़ा रहता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी सरकार का शिक्षा मॉडल। अभी हाल में ही योगी सरकार अपने स्कूलों का जो उनके नेता टीवी चैनलों पर बैठकर बखान करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्थाओं में हमने बहुत सुधार किया है, तो उसी की सच्चाई दिखाने के लिए आज आम आदमी पार्टी आपके सामने है और उन तस्वीरों को पेश कर रही है कि जहां पर बच्चे पढ़ने के नाम पर क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है, अभी हाल में देखा गया कि जब एक केजरीवाल मॉडल के एक स्कूल की तस्वीर टाइम्स मैगजीन में छपी है तो उसको लेकर मोदी सरकार इतनी बौखला गई कि मनीष सिसोदिया जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर ED की रेड डलवा दी। अब मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर आपकी विद्यालय की ये तस्वीर बर्तन मांजते हुए बच्चे, अगर ये तस्वीर टाइम्स मैगजीन में छप गई तो क्या भारत का सर गर्व से उठेगा या शर्म से झुक जाएगा? ये बताएं मुख्यमंत्री जी, बताएं पूरे प्रदेश की जनता को बताएं ये बात। और ये उजागर इसलिए कर रही हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, कल ये बच्चे बड़े होंगे और ये बड़े होकर कहेंगे कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पढ़े थे जहां हमने स्कूलों में स्कूल बर्तन मांजे थे, तो ये बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधार की जरूरत है। अगर ये सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए आम आदमी पार्टी मैदान में है और एक बड़ा आंदोलन इन स्कूलों की खराब व्यवस्था के खिलाफ छेड़ने जा रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य है, आने वाले भारत का निर्माता है, इन्हीं के द्वारा आने वाले भारत का निर्माण किया जाएगा और हम अपने निर्माताओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये बड़ा चिंता का विषय है। मैडम, इसमें कोई ज्ञापन या कोई नोटिस वगैरह जिला प्रशासन को देना है? जी हाँ, इसके लिए जो है जो विक्रमपुर के स्कूल की जो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है, पूरे देश में वो फैल चुकी है, उस स्कूल के सुधार के लिए मैं इस संबंध में जिला प्रशासन को एक लिखित प्रार्थना पत्र पूरे कार्यकर्ताओं के साथ सौंपूंगी, पूरी आम आदमी पार्टी सौंपेगी और उनको एक महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर उस टाइम पीरियड के अंतर्गत वो इसको सुधार नहीं करते, स्कूल की व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन पर बैठ जाएगी। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।